नमस्कार, मैं हूं रुखसाना। एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूं छठवीं कक्षा का असाइनमेंट लेकर। आज का टॉपिक है टिकट एल्बम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कौन लड़कियों की अगवा बनकर एल्बम मांगने आई? कहानी में आपने पढ़ी है कि राजप्पा का पहले एल्बम था, उसके बाद नागराजन का एल्बम आ गया, उसके अंकल ने सिंगापुर से भेजा था। तो क्या हुआ, जैसे ही नागराजन का एल्बम आता है तो सारे बच्चे नागराजन के एल्बम की तरफ भागते हैं। तो पार्वती वो लड़की थी जो एक लड़कियों का ग्रुप होता है, जैसे आपके भी क्लास में लड़कियों का एक ग्रुप होता है, तो पार्वती उन सबकी अगवा बन के आई थी। ये तो पार्वती नागराजन के पास जाती है और एल्बम मांगती है, बोलती है मुझे भी देखना है क्योंकि लड़कियों को मुझे भी दिखाना है। तो पार्वती अगवा बनकर एल्बम मांगने गई थी। अगला प्रश्न, किसकी शान अब घट गई है गई थी? जब नागराजन का एल्बम आया, वो तो बड़ा था, सुंदर था, सिंगापुर से आया था, उसका एक नाम था ना, सिंगापुर से आया है, इसलिए लोग उसकी तरफ भागने लगे, यानी कक्षा के जो बच्चे थे वो नागराजन के एल्बम को देखने के लिए भागने लगे। तो राजप्पा का एल्बम का जो शान था वो अब कम हो गया, अब इसके एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था, ठीक है, इसलिए कहा घट गई है। अगला प्रश्न है, किसकी तरह राजप्पा ने एक-एक करके टिकट जमा किए थे? यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किसकी तरह, यहाँ पर तरह लिखा है, यानी आपको इसके साथ एग्जाम्पल देना है। तो आपको पाठ में किसके तरह एग्जाम्पल दिया गया था? तो मधुमक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी फूलों में बैठकर, फूलों पर बैठकर उसका रस चूसती है, फिर मधु इकट्ठा करती है, तो बहुत मेहनत से वो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो बनाती है। तो इसी तरह राजप्पा भी कई जगहों से, अपने दोस्तों से, कैसे भी करके अरेंज कर उसने अपना एल्बम तैयार किया था, इसलिए उसको किसकी तरह तुलना की गई है? मधुमक्खी की तरह। अगला प्रश्न है, राजप्पा कनाडा का टिकट लेने कहाँ जाता था? राजप्पा कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता था, 4 मील दूर अपने दोस्त के घर जाता था। पगडंडी मतलब वो छोटे रास्ते जो चलने से बन जाते हैं, उनको कहा जाता है पगडंडी। तो वो भागता था, स्कूल से आता, अपना बस्ता फेंकता और फिर कुछ खाता पीता, बस भाग जाता सब टिकट इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे टिकट इकट्ठा करता था। राजप्पा के एल्बम को किसने खरीदना चाहा? जब नागराजन का एल्बम आ गया तो राजप्पा का एल्बम को कोई पूछता नहीं था, तो राजप्पा के एल्बम को उसने, सरपंच के लड़के ने क्या कहा था कि मैं 25 रुपए में इसको खरीदना चाहूंगा, ठीक है। तो राजप्पा ने कहा नहीं, मुझे नहीं बेचना, ठीक है। तो उसने दिया नहीं, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी अपने एल्बम में, तो उसने 25 रुपए में भी उसको देना नहीं चाहा। अगला प्रश्न है, बेहद शब्द में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन देता है, से कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर बे उपसर्ग है, बे के साथ हद मूल शब्द है, तो बेहद। बे उपसर्ग में बहुत सारे शब्द जोड़ा जाता है, बेशर्म, ऐसे कई शब्द, बेहद यहाँ पर आपको, ठीक है। सो ऐसे शब्द बे उपसर्ग है, ये बे उर्दू शब्द है, उर्दू से भाषा से ली गई है, ठीक है, आगत जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसने राजप्पा को ईर्ष्यालु कहा? कृष्णन ने। जब नागराजन का एल्बम आ गया तो सब नागराजन के एल्बम की तरफ भागने लगे, तो राजप्पा को बुरा लगने लगा कि मेरा एल्बम को अब कोई नहीं पूछता, मेरे एल्बम को देखने के लिए अब कोई भी नहीं आता है। तो बस उसने, दो बच्चे आपस में जैसे क्लास में बातापाती करते हैं, आपस में उनमें घटपट हो जाती है, तो इस जब दोनों के बीच में बातचीत होने लगी तब इस संदर्भ में राजप्पा ने, राजप्पा को ईर्ष्यालु कहा कृष्णन ने। अगला प्रश्न है, सूरज शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज का पर्यायवाची रवि, भास्कर, भानु, दिनकर। तो ये है सूरज का पर्यायवाची। धन्यवाद।